लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल क्रमांक था 2022/35 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2022 विज्ञापन सीएम राज्य विद्यालयों में परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की पदस्थापना की गई है। पदस्थापना के उपरांत शेष बची रिक्तियों के लिए ऐसे नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो पूर्व से चयनित 275 सीएम राज्य विद्यालयों में पदस्थ नहीं है। इच्छुक नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक दिनांक 8:07-2022 से 13:07-2022 तक विमर्श पोर्टल पर विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। विकल्प चयन उन्हीं नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा किया जाए जो सीएम राइज विद्यालयों में कार्य करने के इच्छुक हो। सिर्फ विकल्प चयन के आधार पर पदस्थापना का दावा नहीं किया जा सकेगा। पदस्थापना पात्रता परीक्षा की मेरिट रैंक के क्रम में की जाएगी। नोट, रिक्तियां परिवर्तनीय है। दिनांक 8 जुलाई 2022 से 13 जुलाई 2022 अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल। दिनांक 8 जुलाई 2022 सीएम राइज स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को पढ़ाने का मिलेगा मौका। मप्र के सीएम राइट स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को पढ़ने का मौका मिल सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 2018 की प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर पदस्थापना पाने वाले उच्च माध्यमिक और माध्यमिक श्रेणी के शिक्षकों को यह सीएम राइट स्कूल में पढ़ाने के लिए विकल्प दिया गया है। याद रहे कि प्रदेश में 275 सीएम राइट स्कूल बने हैं। जबलपुर में 10 सीएम राइट स्कूल हैं जिनमें प्रवेश की प्रक्रिया 2022-23 के लिए प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे स्कूलों के लिए आवेदन 8 जुलाई से आमंत्रित किया गया है। शिक्षण लाख आयुक्त संचालनालय की तरफ से आदेश में कहा गया है कि सीएम राइट स्कूल में पढ़ाने के लिए नवनियुक्त शिक्षक विमर्श पोर्टल के माध्यम से पसंदीदा स्कूल का चयन कर सकते हैं। शिक्षकों के मेरिट के आधार पर ही उनकी पदस्थापना की जाएगी। ज्ञात हो कि सीएम राइट स्कूल की तुलना में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कई शिक्षकों ने शुरू में इसमें जाने की रुचि दिखाई थी लेकिन बाद में कई शिक्षकों ने कार्यभार नहीं ग्रहण किया। कई शिक्षकों को सीएम राइट स्कूल में जाने के बाद भी कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में शिक्षक पुराने स्कूला में पदस्थापना पर ही संतुष्ट है। बता दें कि पूर्व में सीएम राइट स्कूल में पढ़ाने के लिए विभाग ने अनुभवी शिक्षकों को पात्र मानते हुए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस परीक्षा में काफी कम संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। उस समय नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम राइट स्कूल के लिए चयन नहीं किया गया था। प्रदेश के 275 स्कूलों में पदस्थापना के लिए कर सकते हैं आवेदन।